नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। इन दिनों आजमगढ़ में कई फिल्मों की शूटिंग खूब धुआंधार चल रही है। सभी फिल्मों को समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए, समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए सभी फिल्म अभिनेता लगे हुए हैं। ऐसा ही कुछ खास फिल्म पी आर गुप्ता फिल्म प्रोडक्शन के तत्वाधान में फिल्म अभिनेता रितेश गुप्ता की शूटिंग इलाहाबाद नेपाल काठमांडू में शूट होने के बाद अब आजमगढ़ में धूम मचा रही है। भोजपुरी फिल्म मैं तेरा दीवाना हूँ सनम, इसके निर्माता रितेश गुप्ता, निर्देशक सलीम साजन, संगीत महिपाल भारद्वाज, लेखक अमित सुल्तानपुरी, छायांकन संजीव दादा, प्रोडक्शन मैनेजर सूरज मारवाड़ी, डिजाइनर प्रशांत जी, स्टार कास्ट रितेश गुप्ता, प्रतिभा भारती, अनुष्ठान राय, अनिल भारद्वाज, प्रोडक्शन मैनेजर नारायण दुबे, सूरज मरवाड़ी, व्यवस्थापक फिल्म अभिनेता राजेश रंजन के विशेष सहयोग से फिल्म तैयार की जा रही है, जो समाज में अलग संदेश देने का काम करेगी। पूरी फिल्म में गरीबी कैसे दूर की जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ बच्चों पर हम विशेष ध्यान दें ताकि बच्चे गलत संगत में ना पड़े। गलत संगत में पढ़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। जैसे बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग बच्चों पर कम ध्यान दे पाते हैं। बच्चों की गलत संगत पर जाने की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही मार्मिक है, साथ साथ बहुत रोमांटिक भी है। पारिवारिक होने के साथ साथ मारधाड़ के साथ भरपूर रोमांचक है, जिसको रितेश गुप्ता की पूरी टीम बहुत ही सहजता से निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग आजमगढ़ इलाहाबाद नेपाल काठमांडू के सीन के साथ शूट किया जा रहा है। व्यवस्थापक राजेश रंजन ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी फिल्म बनाते हुए हम लोगों को गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी फिल्म हम लोग बनाकर समाज में अच्छे संदेश देने का काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा भी हम पारिवारिक फिल्म भोजपुरी भाषा में बनाते रहेंगे। आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद देते रहे। न्यूज लाइन भारत के लिए आजमगढ़ से अमित खरवार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन भारत। जैसा कि इसमें भोजपुरी फिल्मों का प्रचलन एक बार फिर से चल रहा है, ऐसे में आजमगढ़ जिले में इस समय तमाम भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। ऐसे में आजमगढ़ जिले में एक मूवी की शूटिंग इस समय चल रही है, भोजपुरी मैं तेरा हूँ सनम। इस मूवी के में रोल करने वाले वरिष्ठ अभिनेता और साथ ही पूर्वांचल के लोकप्रिय गायक हमारे बीच राजेश रंजन जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस फिल्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं राजेश रंजन जी के पास। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं राजेश रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारी ये बहुत ही अच्छी फिल्म जो समाज में एक नई दिशा देगी, पारिवारिक फिल्म है, मैं तेरा दीवाना हूं सनम, ये फिल्म की शूटिंग चल रही है इस समय। अभी हम लोग इलाहाबाद करके आए हैं इस फिल्म का सीन, और इसके बाद फिर नेपाल काठमांडू हम लोग गए, वहाँ भी हम लोगों ने शूट किया है। और अब इस दौर 15 दिन का शेड्यूल आजमगढ़ में चल रहा है, 4 दिन का शेड्यूल हो चुका है और 11 दिन का शेड्यूल और बचा है। आज हम बताना चाहते हैं कि हमारी इसके पहले फिल्म आई थी प्रेम का अंत, हमारे ज़िले का ही एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा अभिनेता रितेश गुप्ता की ये फिल्म है, जिनके प्रोड्यूसर भी वही हैं। और इसको हम लोग एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, जैसे परिवार में इस फिल्म का सिर्फ यही शीर्षक है कि हमारे परिवार पे, हम लोग अपने परिवार पे बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे यहाँ से दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, पर अभिभावक हर चीज़ के मायाजाल में उलझ करके बच्चों को विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे तो वहाँ पढ़ाई जरूर करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ गलत संगत में पढ़ करके वो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जैसे में राजेश रंजन जी कहा जाता है कि आजकल भोजपुरी फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अश्लीलता तो देखने को मिला, लेकिन सभी लोग नहीं, हम लोगों की तो बहुत बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है, आप एक परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं। इसमें आपको वैसे ही जिस तरीके से सांस्कृतिक परिवार से ये मिलती जुलती फिल्म है, उसी तरीके से रोमांटिक भी है, कुछ इसमें मार्मिक दृश्य भी दर्शाया गया है। और ये अश्लीलता का मैं तो खुद बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि आज भोजपुरी इतनी अश्लीलता शबाब पर है जिसको एक साथ परिवार में बैठ कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये हमारी फिल्म मैं तेरा दीवाना हूँ सनम, ये
बिल्कुल पारिवारिक है, रोमांटिक है और मारधाड़ से भरपूर है। आप लोग इसको देखें और मैं अपने सभी श्रोताओं का दिल से प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। रंजन जी, जानना चाहूंगा कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कौन से लोग हैं? मुख्य भूमिका में हमारे फिल्म अभिनेता, एक गरीब घर से लड़का है रितेश गुप्ता, हीरोइन है रक्षा, और इसके विलेन कई सेलिब्रेटेड कलाकार हैं। और उसमें, उस फिल्म में मेरा भी एक ज़बरदस्त इंस्पेक्टर का रोल है और उस रोल को आप लोग देखेंगे, मैं एक अलग अंदाज में दिखूंगा, एक अलग समाज में संदेश देने का काम करूंगा। आप देख रहे थे आजमगढ़ से अमित खैरवार की रिपोर्ट। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।